हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट स्लोप इन कंस्ट्रक्शन वर्क। कि स्लोप जो होता है वो हमारे इस कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत जरूर होता है। कहाँ पे यूज होता है आपका, कहाँ पे यूज होता है आपका, रैंप में, इन हाउस या फिर बिल्डिंग घर बना रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या जरूरत होती है रैंप की, या फिर ग्राउंड वाटर। आपके जो ग्राउंड वाटर होता है, जैसे कि आपका टेरेस होता है, छत का जो टेरेस छत होती है, तो वहाँ पे आपको स्लोप देना जरूरत पड़ती है। या फिर कोई भी ग्राउंड वाटर की, जहाँ पे भी आपको वाटर में स्लोप देना होता है वो रिकॉर्ड में होती है। पार्किंग में आपको स्लोप देना होता है। ड्रेन वाटर जैसे ड्रेन वाटर आपका कोई इसमें स्लोप देना है तो वहाँ पे भी आपको जरूरत पड़ती है। एंड स्लैब स्लोप, अगर आपकी कोई छत है जैसे कि सैड होते हैं थोड़ी किस तरह की सैड भी होती है, तो वहाँ पे स्लोप देना होता है। जैसे कि कश्मीर है, कि जब कश्मीर होते हैं तो वहाँ पे स्लोप में होती है स्लैब, तो वहाँ पे रिकॉर्ड होती है कितना स्लैब उसमें देना होता है आपको स्लोप। या फिर रोड है, जैसे कि रोड है जिसकी लंबाई होती है उसमें स्लोप कितना देना है, या फिर रोड की एजिंग होती है तो उसमें कितना देना होता है। तो डिफरेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है स्लोप की। तो मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने थोड़ा उनको क्लियर करने नहीं आता, मतलब वीडियो कंसेप्ट उनका क्लियर था, उनको थोड़ा क्लियर करने नहीं आता। तो मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा कंसेप्ट हो ज़्यादा क्लियर कर दूंगा और आपको आसान हो जाएगा कि हाँ किस तरह से हम स्लोप निकाल सकते हैं किसी तरह से। तो ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट या फिर स्लोप, ठीक है। तो 1:200, जैसे कि आपको स्लोप होता है अगर आपके पास ऑटो लेवल स्टेशन सर्वे, ऑटो लेवल है आपके पास, या फिर डंपी लेवल है, तो उससे आसान होती है ड्रेन लेवल निकालने में। तो ड्रेन का जो लेवल होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे रीडिंग ली, तो रीडिंग लेने के बाद जो रीडिंग आएगी, यहाँ पे स्टेशन होता है टोटल स्टेशन, जैसे अगर आप रीडिंग लेंगे तो ड्रेन का जो रीडिंग होती है वो अगर डाउन पोर्शन में जाते हैं तो वहाँ पे रीडिंग्स बढ़ती है, अगर ऊपर जाता है तो स्टॉप, तो उसमें घटती है। तो वीडियो देख लीजिए, मैं वो लिंक प्लेलिस्ट में दे दूंगा। तो ठीक है, तो वो स्लोप भी आप टोटल वो ऑटो लेवल मशीन से कैसे सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट देखेंगे हम, स्लोप देखेंगे कोई भी ड्रेन का या फिर रोड का कैसे कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास दिया हो ग्रेडियंट या फिर स्लोप, तो उसका फार्मूला होता है हमारे पास राइज अपॉन रन। राइज क्या होता है, जो आपकी होरिजोंटल डिस्टेंस है जहाँ से आपको लेवल उठाना है और जहाँ पर आपको नीचे गिराना है लेवल। जैसे कि यहाँ पर हो जाता है 0 और यहाँ पर हो जाता है आपको मैक्सिमम 2 या फिर 3, जैसे कि यहाँ पर राइज अपॉन रन। तो हम उसको एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो राइज हमारे पास सपोज कीजिए कोई 200 mm आपको स्लोप देना है, आपका क्या है 40 मीटर कोई रोड है या नाली है, तो उसमें आपको 200 mm का स्लोप देना है। तो कितना ग्रेडियंट बने, कितना स्लोप बनेगा, स्लोप आपका क्या बनेगा, किस रेशियो में आपका स्लोप आएगा, तो हमें निकालना है स्लोप रेशियो के अंदर। तो आपके पास 200 mm का राइज है, ये आपको 200 mm का स्लोप देना है 40 मीटर के अंदर। तो 200 राइज क्या है हमारे पास, 200 / रन। अगर आपके पास 200 mm में ले रहे हैं तो आपको ये भी कन्वर्ट करना पड़ेगा mm में ही। अगर आप ये इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर तो आपको 40 से आसानी से निकल जाएगा। सपोज़ कीजिए यहाँ पे 200 ले लेता हूँ, सपोज़ कीजिए यहाँ पे 0.20, ये क्या हुआ मीटर में हो गया, तो डिवाइड बाय कितना है 40 मीटर, ये भी मीटर में हो गया और ये भी लेंथ मीटर में हो गई। तो यहाँ पे ओनली सिंपल 40 से लिख दूंगा तो वो आपका ऑटोमेटिक से कट जाता है, ठीक है। तो वही हमारे पास 200 आता है। तो यहाँ पे 200 mm है, 40 × 100, तो 40 हमारे पास है मीटर, और जो उसकी लेंथ है mm में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें रेशियो राइज भी हमारे पास 200 mm में है, 40 भी मीटर में, तो 2/400, तो 1/2। तो स्लोप क्या हुआ हमारे पास, 1:200। तो स्लोप हमारे क्या हुआ 1:200। किसी ड्राइंग के अंदर गिवन होता है कि ये इतना स्लोप दे दो कि यह देना है, या फिर किसी में बोल देते हैं हमारे पास कि इतने मीटर में इतना स्लोप दे देना है, या फिर 200 में या फिर 1:2 का स्लोप दे देना, 100 का स्लोप दे देना, ठीक है। तो इस तरह से स्लोप दे देते हैं। उसके बाद देख लेते हैं एग्जाम्पल 2। अगर आपके पास कोई भी राइज रन है, अगर आपके पास में स्लोप दे दिया है ड्राइंग के अंदर, स्लोप इतना देना है आपको, और उसने दे दिया कि 20 mm की हाइट है, तो उसमें जो लंबाई आएगी कितनी लंबाई आएगी, ठीक है। या फिर आपको देता कि 100 मीटर का रोड है उसमें स्लोप देना है 1:100, तो ये आपको कितना स्लोप आएगा, कितना मतलब यहाँ पे तो दिया उन्हें 100 पर, लेकिन कितना स्लोप आना है, कितना स्लोप का मतलब आपको ये हाइट क्या रखेंगे, इनिशियल हाइट जहाँ पे आपको एंड करना है, ये वाली हाइट कैसे निकाल देंगे। तो सिंपल आपको वही होता है, स्लोप का हमारे पास होता है इक्वल टू राइज अपॉन रन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या चाहिए आपको, ये राइज है, तो राइज सही है, तो राइज निकालने के लिए हमारे पास क्या हो गया, स्लोप इंटू रन, ठीक है। तो राइज यहाँ पर हमारे पास हो गया, तो स्लोप इंटू रन हो जाता है, तो राइज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसे निकाल सकते हैं, तो राइज अपॉन रन, तो स्लोप इक्वल टू स्लोप इंटू राइज, तो रन कितना हुआ 10 × 20, कितना हुआ 200 mm। तो हमारे पास ये क्या हो गया, 200 mm हमारे पास ये आ गया, ठीक है।
तो ये हमारे पास 200 mm आ गया। अगर पास यह राइज होता है, ये राइज होता तो रन होता, तो यहाँ पे हमारे पास ये राइज आ जाता इक्वल टू स्लोप इंटू रन, स्लोप इंटू रन, ठीक है, तो ये आ जाता है। तो वीडियो को लास्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद देख लेते हैं या फिर इस तरह से निकाल सकते हैं स्लोप हमारे पास फार्मूला क्या राइज अपॉन रन। तो स्लोप क्या है गिवन हमारे पास 1:100, तो 1:10, तो 1:10 हमारे पास स्लोप है। राइज हमारे पास राइज कितना था 20 mm, 20 / रन, तो रन को ऐसे टीजी लिख दिया हमने, तो मल्टीप्रोस क्रॉस हो जाता है इक्वल के लिए, तो रन हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 10, यहाँ पर 10 × 20 = 200, इस तरह से निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेटर निकाल सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं थर्ड एग्जांपल। अगर आपके पास है 2%, अगर आपके पास स्लोप है 2% देना है, लेंथ है 12 मीटर, अगर आपके पास 12 मीटर में 2% स्लोप देना है तो कितना स्लोप आएगा, कितना स्लोप, उन्होंने 1% तो स्लोप दे दिया है पर लेकिन हाइट क्या निकालेंगे, स्टार्टिंग क्या रैंक रखेंगे आप, तो वो निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, स्लोप परसेंट निकालने का फार्मूला है राइज अपॉन रन इंटू 100। तो स्लोप कितना था हमारे पास 2%, तो 2 रख दिया हमने, राइज कितना था हमारे पास वो रखेंगे, राइज हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है कि कितना स्लोप देना है कितना mm में। तो रन हमारे पास कितना था, ये वाला रन कितना है 12 मीटर, तो 12 मीटर को हमने कन्वर्ट किया मीटर के अंदर, तो 12 × 1000 को हमारे पास 1 मीटर में होता है 1000 mm, क्लियर। तो 100 को एज इट इज रख दिया 100, ठीक है। तो इसको काटने के लिए क्या हुआ, तो रन राइज एज इट इज रह गया यहाँ पे, मल्टी क्रॉस हो गया ये वाला, तो 12 × 24 = 240 mm, क्लियर। या फिर इस तरह से निकाल सकते हैं स्लोप परसेंट क्या निकालने के लिए फार्मूला क्या है, राइज अपॉन रन इंटू 100। तो राइज क्या था, राइज यहाँ पर हमारे पास स्लोप इंटू रन, मल्टी क्रॉस जब करते हैं हम हमारे पास, तो राइज एज इट इज रह जाता है, तो स्लोप इंटू रन डिवाइड बाई 100, ठीक है, ये डिवाइड बाई 100 यहाँ पे, जैसे कि ये हमारे पास हो गया स्लोप इंटू रन इक्वल टू राइज इंटू 100। तो ये राइज इंटू 100 ये ऊपर होता है, ये मान ऊपर होता है। अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं तो ये आप आसानी से फार्मूला निकाल सकते हैं, स्लोप इंटू राइज, राइज इंटू रन आ गया हमारे पास, क्लियर। तो हमारे पास राइज ऐसे ही रेजी, हमें राइज फाइंड आउट करना है, तो इसके ऊपर ही 100 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर इस तरह से भी, जैसे कि राइज इक्वल टू कितना हुआ, रन इंटू स्लोप परसेंट, तो 2 × 1 बार कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास, ठीक है। या फिर राइज निकालना है हमें, ये वाली हाइट निकालनी है, तो क्या करेंगे, सिंपल रन इंटू स्लोप परसेंट, तो स्लोप परसेंट कितना भी आएगा, जैसे कि हमारे पास कोई भी बोलता है सर कि, जैसे बोलता है 1 लाख का हमारे, 1 लाख का, जैसे कि 1000 का, 1000 का हमारे पास होता है 10% बोलता है, तो 1000 का क्या निकालते हैं, तो 1000 × 10/100, तो वो सिंपल इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं भाई कितना परसेंट हुआ, कितना परसेंट हुआ, तो ये इतनी लेंथ का इतना परसेंट हमारे पास निकालना है, तो वो कितना स्लोप होगा, तो वो हाइट यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। तो वही फंडा है सेम, तो बस ये फार्मूला से निकाल लो, ताकि आपको फार्मूला कंसेप्ट क्या है वो क्लियर हो जाए, तो इसी वजह से मैंने फार्मूला को के बेस पे निकाला है। अगर वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं तो इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर आप फार्मूला से निकाल सकते हैं तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो या फिर राइज कितना हुआ, रन इंटू स्लोप परसेंट, यहाँ पे क्या हुआ, ये राइज एज इट इज रख देते हैं, रन एज इट इज आ जाएगा, स्लोप डिवाइड बाई 100 आ जाएगा, स्लोप परसेंट का फार्मूला क्या है 100। तो राइज इक्वल टू रन क्या हमारे पास 1200, स्लोप कितना था 2%, स्लोप 2% है हमारे पास, स्लोप कितना 2%, तो 2 / 100, ठीक है, तो कितना आ जाता 2400 में। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कि ये आसान लगे तो ये निकाल सकते हो, फार्मूला को समझने के लिए, तो मैंने क्लियर किया है फार्मूला को समझने के लिए, या फिर आप आसानी से ये निकाल सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं एग्जांपल 4। अगर आपके पास राइज है 500 mm, कोई हाइट है आपके पास, ये 500 mm की हाइट है, ड्रेन की या स्लोप की या रैंप की या फिर कुछ भी हो सकता है आपके पास, तो उसमें आपको ये हाइट दे देते हैं, जैसे कि रोड साइड है, यहाँ पे दोनों साइड रोड हो जाएगा या पीछा है कोई भी, तो वो आपको बीच में हाइट निकालनी है। रन क्या होगा आपके पास लेंथ, रन आपके पास लेंथ है और राइज क्या आपके पास हाइट, ठीक है। तो राइट स्लोप परसेंट निकालना है आपको, तो क्या फार्मूला है, स्लोप परसेंट निकालने का राइज अपॉन रन इंटू 100 होता है। तो राइज कितना है हमारे पास, राइज यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 500, तो 500, रन कितना है 10000, ये फिर आपको लिख सकता है 10 मीटर, तो मीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, मीटर को मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट करना है, ताकि एक दूसरे डिवाइड आसानी से हो जाए, तो इंटू 100 कितना था ये, तो मल्टीप्लस क्रॉस करेंगे तो स्लोप कितना हुआ 5%। तो इस तरह से ये क्या हुआ हमारे पास, निकल के आया 5% आपको स्लोप हो गया, ठीक है। इस हिसाब कोई भी इस फार्मूला से कोई भी बेसिक जो पॉइंट आपके मन में आता है तो वो आसानी से निकाल सकते हैं।
तो होप आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना इस वीडियो से रिलेटेड, जो भी आपका डाउट है तो मैं वीडियो में कमेंट कर दूंगा या फिर आपका मैं वीडियो टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।